गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग लो, दिस इज मंजुला सिंह ब्यूटी एक्सपर्ट। आज की वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है कि बालों को घना और थिक कैसे बनाया जा सकता है, बालों की डेंसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। पहले मुझे कमेंट सेक्शन में देखकर लगता था कि आप लोगों को लंबे बालों का शौक है, लंबे बालों के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बाल घने हो या ना हो। लेकिन अब एक अच्छी बात देख रही हूं कि आप लोग अपने बालों की थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं, बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं। जो सीरीज चल रहा है उसका ये अगला पार्ट है। तो आज की पार्ट में मैं बताने जा रही हूँ कि आप अपने बालों को घना कैसे बना सकते हैं, थिक कैसे बना सकते हैं। और गाइज मेरा ये मानना है कि कोई भी एक छोटा सा रेमेडी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको फुल पैकेज प्रोवाइड ना कराएं। बालों के लिए एक ऑयल की जरूरत होती है, एक परफेक्ट ऑयल की, एक मास्क की, एक हेयर स्प्रे की, आप फूड की, एक्सरसाइज की। इन सबको आप अच्छी तरह से कंटिन्यू करेंगे, सिंसियरली पालन करेंगे, तो आप एक अच्छे बालों की मलिका होंगी। तो ये ऐसा मेरा मानना है, ये नहीं कि छोटा सा रेमेडी कोई भी दे दिया इससे आपके बाल लंबे घने सब कुछ हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपके जो थिक बालों का सपने को पूरा किया जाए, लेकिन इसके लिए मैं तीन रेमेडीज आपको बताऊंगी, तीनों के अलग अलग वीडियोस होंगे। तीनों को अगर आप अप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ आपके बाल घने होंगे बल्कि आपके बाल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगे, लंबे भी हो जाएंगे। ये एक बोनस आपके लिए है कि ना सिर्फ आपके बाल थिक होंगे बल्कि लंबे भी होंगे। आपकी थिकनेस बढ़ने का मतलब है कि आपके बालों की रीग्रोथ हो रही है। बाल थिक कैसे होंगे, जो आपके बाल गए हैं, हेयर फॉल अगर आपका हुआ है वो वापस आपके पास आ रहे हैं तभी आपके बाल घने होंगे। तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए कि बालों की रीग्रोथ हो रही है। इस वाले जो मैं अभी आपको एक फुल पैकेज बताने जा रही हूँ, इसको आप एक तरह से रिवर्स हेयर फॉल चैलेंज लेके चल सकते हैं कि आपके अगर हेयर फॉल हुए हैं ना सिर्फ वो रुकेंगे बल्कि आपके बालों की रीग्रोथ भी होगी, आपके बाल घने भी होंगे, साथ ही साथ आपके बाल लंबे भी होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीन का तीन वीडियो आप जरूर देखिए और उसके बाद आप अपने बालों को बहुत ज्यादा घना बनाइए, खूबसूरत बनाइए। चलिए देखते हैं आज वो पहला रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ वो कौन सा है, किस तरह से बनाना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। अब मैं आपको एक हेयर ग्रोथ हेयर मास्क बताने जा रही हूँ जो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए 100% सक्षम है और साथ ही साथ आपके बालों के लेंथ बढ़ाने के लिए तो 200% सक्षम है। इस तरह का हेयर मास्क मैंने अब तक तो आपको नहीं बताया था, लेकिन हेयर ग्रोथ सीरम मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। वाटर बेस्ड जो मास्क होता है मेरा फेवरेट भी है, वो भी मैंने बहुत सारे बताए हैं। तो ये मिक्स्ड है थोड़ा सा, ये इसका कंसिस्टेंसी जो है वो पतला सा भी रहेगा लेकिन ये पूरी तरह से वाटर नहीं है। हेयर मास्क होता है उसी के कंसिस्टेंसी में ये बनेगा और इसको अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा आसान है, इसको बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। तो इसका इंग्रेडिएंट वही है जो आप देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा आंवला है जो मैंने एक आंवले का लिया, एक मीडियम साइज के आंवले को ग्रेट कर लिया है, तो ये आंवला हमारा निकल गया। ये थोड़ा सा पोटैटो है, आलू है जो क्वार्टर साइज का है, एक मीडियम साइज का आलू लिया उसका एक चौथाई हिस्सा, ज्यादा नहीं है, छिलके समेत मैंने ग्रेट किया है। और ये थोड़ी देर से रखा हुआ था इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ऐसा सा हो गया है, लेकिन अदरवाइज ये बिल्कुल फ्रेश है। और ये जो अनियन है, मीडियम साइज का अनियन है, उसका हाफ टुकड़ा मैंने लिया है। तो ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही हम लेंगे क्योंकि इसमें जो होगा सबसे ज्यादा क्वांटिटी ये एलोवेरा जेल का होगा, पत्ता जैसा कि आपको दिख रहा है, इसके अंदर से जो भी जेल निकलेगा वो हम इसमें ऐड करेंगे और इन चारों का कंबाइन जो होगा वो मास्क रेडी होगा। तो इसका प्रोसेस किस तरह से वो मैं बता दूं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हम सारी चीजें ऐड करेंगे। ये अनियन का जो ग्रेटेड अनियन है, सब कुछ का ग्रेटेड फॉर्म इसलिए लिया है ताकि इसको ग्राइंड करने में जल्दी से जल्दी हो जाए। आंवला देख लीजिए, ये भी हमने सारा का सारा डाल लिया। और ये आलू है, उसको भी थोड़ा सा ही है, आप आलू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आप में से जिनको भी लंबे बालों का शौक है, बहुत जल्दी लंबे बाल करना चाह रहे हैं, वो चाहिए तो आप आलू पूरा एक आलू ग्रेट करके ले सकते हैं। और जो हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट होगा ये देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको एलोवेरा का लीफ दिखाया, इसका अंदर का जेल निकाल कर मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। देखिए एलोवेरा आपको दिख रहा होगा कि मैंने अंदर से जेल निकाल कर इसमें डाल दिया, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से तो मैं इसको नहीं निकाल पाई क्योंकि अल्टीमेटली इसको ग्राइंड करके मुझे स्ट्रेन करना है। अगर बहुत ही फाइन आपने इसका पेस्ट बना लिया तो आपको स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप उसको बालों में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ग्राइंड होकर हमारा रेडी हो गया। मैं आपको दो चॉइस बता दे रही हूँ, अगर आपको चाहिए कि इसका टुकड़े वुकड़े आपके बालों में ना फंसे तो आप चाहें तो इसको स्ट्रेन कर सकते हैं और उसके बाद एज अ वाटर बेस्ड हेयर मास्क लगा सकते हैं। लेकिन मेरा क्या तरीका है वो मैं बता दूँ, मैं इसको स्ट्रेन नहीं करती हूँ, मैं इसको एज इट इज़ लगाती हूँ और इसमें डालती हूँ थोड़ा सा भृंगराज का पाउडर और उसके बाद ये कम्प्लीट होता है हमारा हेयर मास्क। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको इसमें पाउडर किस तरीके से और कितना ऐड करना है। तो ये देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि भृंगराज नहीं बल्कि मैंने पूरा का पूरा हर्बल पाउडर मिक्सचर ही इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि वो अलग मैंने रखा नहीं था। मैं ज़्यादातर तीन चार चीज़ों को एक साथ मिक्स करके रखती हूँ तो इसलिए मुझे पूरा मिलाना पड़ा, तो इसका बेनिफिट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ऐड कीजिए कोई भी एक हर्बल ऑयल। तो आपको ये हर्बल मिक्सचर और ऑयल मिलाने के बाद सारे इंग्रेडिएंट है जिसका आपने पेस्ट बनाया, उसके बाद एक कमाल का हेयर मास्क आपका रेडी हो जाएगा जो आपके बालों के न सिर्फ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेगा बल्कि आपके बालों की लेंथ को भी बहुत ज़्यादा। जिनको भी लंबे बालों का शौक है, कमर तक लंबे बाल चाहते हैं या
इवन नी लेंथ तक है लॉन्ग हेयर चाहते हैं, उनको ये मास्क जरूर हेल्प करेगा। अब मैं आपको रिप्लेसमेंट बता दूं, आप में से जिनको भी अनियन सूट नहीं करता है वो इसको बिंदास अनियन को हटा सकते हैं, यानी जो अनियन है इसमें वो हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए मैंने डाला है, जिसको सूट करता है उनके लिए डाला है। अगर आप में से किन्हीं को भी अनियन से प्रॉब्लम है, स्कैल्प पे उनको नहीं सूट कर रहा है या आपके उसे हेयर फॉल होने लग रहे हैं, तो आप अनियन को टोटली स्किप कर सकते हैं। बाकी किसी चीज़ को हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बालों पे कोई भी खराबी नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा ये हेयर मास्क रेडी हो गया, और इसको अप्लाई करना है वीक में आपको कम से कम दो बार। विंटर्स है तो आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे सीजन में आप इसको दो बार अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके इसको एक घंटे रखिए, किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। ठीक है, आपने इस तरीके से ये वाला रेमेडी क्रिएट करना है, उसको अप्लाई करना है, और इसके बाद आपके बाल जरूर चेंज हो जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। ओवरनाइट कितना भी सब बोले या थंबनेल पे लिखा हो आप देखें, लेकिन बालों को चेंज होने में, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता है। तो पेशेंस के साथ ये तीन रेमेडी जो मैं बताने जा रही हूँ आपके बालों के थिकनेस के लिए, उसको फॉलो कीजिए, पालन कीजिए। मैं उस रिजीम बता रही हूँ और अपने बालों को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। वो वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।